सात गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। प्रश्न एक, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए राजवर्धन, बी आदित्य वर्धन, सी पुष्यभूति वर्धन या डी नरवर्धन। सही उत्तर सी पुष्यभूति वर्धन। प्रश्न दो, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में राज्य है, उसके सामने सूची दो में राजधानी। सूची एक में ए वर्धन, सूची दो में उसके सामने एक नंबर पर थानेश्वर, सूची एक में बी मौखरी, सूची दो में उसके सामने दो नंबर कन्नौज, सूची एक में सी वाकाटक, उसके सामने तीन दक्कन, सूची एक में डी मैत्रक और उसके सामने सूची दो में राजधानी चार नंबर पर लिखा है वल्लभी। कूट इस प्रकार है, ए बी सी डी, ए एक दो तीन चार, बी दो एक तीन चार, सी एक दो चार तीन या डी चार तीन दो एक। सही उत्तर है ए एक दो तीन चार। प्रश्न तीन, सुमेलित कीजिए। सूची एक में राजवंशों के नाम है और सूची दो उसके सामने है जिसमें संस्थापक के नाम दिए गए हैं। सूची एक में ए वर्धन, सूची दो में उसके सामने एक नंबर भटार्क, सूची एक में बी मौखरी, सूची दो में दो नंबर ईशान वर्मा, सूची एक में सी वाकाटक, सूची दो में उसके सामने विंध्य शक्ति, सूची एक में डी मैत्रक, सूची दो में उसके सामने चार पुष्यभूति। कूट ए बी सी डी, ए एक दो तीन चार, बी चार दो तीन एक, सी चार तीन दो एक या डी दो एक तीन चार। सही उत्तर बी चार दो तीन एक। प्रश्न चार, कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई? ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वैजंती या वनवासी को या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी वैजंती या वनवासी को। प्रश्न पांच, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार या डी हर्षवर्धन। सही उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न छह, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि या डी व्यास। सही उत्तर बी बाणभट्ट। सात, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फाहयान, बी इटसिंग, सी मेगास्थनीस या डी हेनसांग। सही उत्तर है डी ह्वेनत्सांग। आठ, चालुक्य राजा पुष्केशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम या डी परांतक प्रथम। सही उत्तर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न नौ, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त या डी हर्षवर्धन। सही उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न दस, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी कनिष्क। सही उत्तर सी हर्षवर्धन। प्रश्न 11, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ए होल अभिलेख, बी बंसखेड़ा लेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख या डी ह्वेनत्सांग के वर्णन से। उत्तर है ए होल अभिलेख। प्रश्न 12, प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्य वर्धन, डी राजवर्धन। सही उत्तर बी प्रभाकर वर्धन। प्रश्न 13, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। उत्तर है सी कन्नौज। प्रश्न 14, सकलोतरा पथनाथ किसे कहा गया है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राजवर्धन। उत्तर है बी हर्षवर्धन। प्रश्न 15, ह्वेनत्सांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य,
बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भूभाग का पुनर्गठन किसने किया? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। उत्तर सी हर्षवर्धन। प्रश्न 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी भास्कर वर्मा। उत्तर ए शशांक। प्रश्न 18, चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए महानदी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के, डी गोदावरी के। उत्तर सी नर्मदा के। प्रश्न 19, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। उत्तर सी कन्नौज। प्रश्न 20, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी वराह मिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी बाणभट्ट। प्रश्न 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। उत्तर बी प्रयाग। प्रश्न 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर बी हरियाणा। प्रश्न 23, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए शक शासक रुद्र दमन से, बी मौखरी नरेश गृह वर्मा से, सी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, डी मैत्रक नरेश भरटाक से। उत्तर बी मौखरी नरेश गृह वर्मा से। प्रश्न 24, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ए मालवा नरेश देवगुप्त, बी गौल नरेश शशांक, सी मैत्रक नरेश भरटाक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी गौल नरेश शशांक। प्रश्न 29, प्रश्न 25, हर्षवर्धन ने 60 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। उत्तर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। प्रश्न 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राज्यवर्धन प्रथम, डी राज्यवर्धन द्वितीय। उत्तर ए हर्षवर्धन। प्रश्न 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। उत्तर ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न 28, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। उत्तर बी मथुरा। प्रश्न 29, कवि बाणभट्ट निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, डी भास। उत्तर बी हर्षवर्धन। प्रश्न 31, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ए कन्नौज व प्रयाग में, बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर व वल्लभी में, डी वल्लभी व प्रयाग में। उत्तर ए कन्नौज व प्रयाग में। प्रश्न 32, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? ए बाणभट्ट, बी विशाख दत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न 33, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी शशांक। उत्तर सी हर्षवर्धन। प्रश्न 34, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सी यू की रचना। उत्तर डी सी यू की रचना। प्रश्न 35, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुष्केशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ए वातापी या बादामी, बी कल्याणी,
सी वेंगी, डी तंजौर, उत्तर ए वातापी। प्रश्न 36। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी शशांक, सी देवगुप्त, डी गृहवर्मा, उत्तर ए ध्रुवसेन द्वितीय। प्रश्न 37। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइतसुंग के पास एक राजदूत भेजा? ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी हर्षवर्धन, उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न 38। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ए वान होयन से, बी होयन सांग, सी इट सिंह, डी फाहयान, उत्तर ए वांग होयन से। प्रश्न 39। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ए फाहयान, बी होयन सांग, सी इट सिंह, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर है बी होयन सांग। प्रश्न 40। होयन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ए 12, बी 13, सी 14, डी 20, उत्तर है सी 14। प्रश्न 41। होयनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहां महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी उज्जैन, उत्तर है ए कन्नौज। प्रश्न 42। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर सी हर्षवर्धन। प्रश्न 43। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने, उत्तर बी पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न 44। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन, उत्तर डी हर्षवर्धन। प्रश्न 45। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में रचना और सूची 2 में उसके सामने रचनाकार के नाम। सूची 1 ए हर्ष चरित्र कादंबरी, उसके सामने सूची 2 एक नंबर हर्षवर्धन। सूची 1 में बी नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, उसके सामने सूची 2 में 2 नंबर भर्तृहरि। सूची 1 में सी सूर्य शतक, सूची 2 में 3 मयूर। सूची 1 में डी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। सूची 2 में 4 बाणभट्ट। कूट ए बी सी डी। ए 4-2-3-1, बी 4-3-2-1, सी 4-1-3-2 या डी 1-2-3-4। सही उत्तर ए 4-2-3-1। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी मयूर, उत्तर है बी कालिदास। प्रश्न 47। कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है और आर गलत है। डी आर सही है और ए गलत है। उत्तर है ए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 48। कौन सही सुमेलित है? ए अवंती, उसके सामने हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी सिंहनाद, उसके सामने महासेनापति, सी कुंतल, उसके सामने सेनापति अश्वसेना, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न 49। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु वे ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं।
ए मेगास्थनीस, बी फाहयान, सी ह्वेनसांग, डी इत्सिंग। सही उत्तर सी ह्वेनसांग। प्रश्न 50, अग्रहार का अर्थ था ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। प्रश्न 51, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था ए खेत की जुताई के लिए, बी खेत की सिंचाई के लिए, सी समय मापने में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी खेत की सिंचाई के लिए। प्रश्न 52, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था ए जलाशय की भूमि, बी चारागाह की भूमि, सी जंगली भूमि, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए जलाशय की भूमि। प्रश्न 53, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6, या डी 1/3 से 1/4। उत्तर है बी 1/6 से 1/10।